हरमिन सो गई है? सो गई है हरमिन? ओ मेरी मासूम बच्ची इंतजार करते करते सो गई है। नहीं नहीं अभी सोने दो, फिर रात को देर तक जागेगी तो सोने दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू इज़ार हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आपने शुरू के क्लिप्स में देखा कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं किसका? एक ऐसे इंसान का, एक ऐसी बंदी का जिससे मेरी दोस्ती जो है वो आप कहें कि इन बच्चों से भी पुरानी है। मींस कि मेरी दोस्ती जो है उससे मेरी शादी से पहले की है। मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और उससे लास्ट टाइम जब मैं मिली थी तो वो 8 साल पहले की बात है। और आज वो आ रही है मेरे घर और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं भी खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। फ़ातिमा की जाने के बाद ना मुझे ये था कि अभी उसने आ जाना है तो मुझे ज़रा हौसला तसल्ली थी। तो यहाँ पे जो है मैं उनका कमरा सेट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, उसने ना मेरा, जो मेरी दोस्त अभी आ रही है, उसने मेरा व्लॉग देखा जो कि फ़ातिमा जब आई थी उस टाइम का, तो उसने मुझे ये शिकायत की है। वो कहती है कि जब फ़ातिमा आई थी तो तुमने जो बेडशीट मतलब क्विल्ट कवर बिछाया था ना, वो ज़्यादा प्यारा था एज़ कम्पेयर टू इस ब्लू और वाइट वाले के। तो ये आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि वो वाला ज़्यादा अच्छा था या ये अच्छा था, ताकि मैं उसको बता सकूँ कि भाई दोनों ही अच्छे थे। खैर, यहाँ पे जो आप बेडशीट देख रहे हैं ना, ये मुझे गिफ्ट दी है फ़ातिमा ने, जो बेडशीट है, ठीक है, जो नीचे आपको स्ट्रिप्स वाली नज़र आ रही है, ये मुझे फ़ातिमा ने गिफ्ट की है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। बहुत ही प्यारी है, इसका जो मटेरियल है बहुत प्यारा है। ये पाकिस्तान से फ़ातिमा लाई थी, लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुझे गिफ्ट करेगी। तो वैसे भी उसको पता है कि मुझे वाइट और ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये वाइट कलर की बेडशीट वो मेरे लिए लाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, दोस्ती ना बहुत ही प्यारा रिश्ता है। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो इंसान इंजॉय करता है ना, वो दोस्ती के रिश्ते में करता है, मुझे तो ये लगता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। बहनों का भी बहुत प्यारा होता है, बाकी बहन भाई वो तो आप कहेंगे कि कुदरती एक रिश्ते हैं ना, वो और बात है, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्तें मिली हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बुरी दोस्त मुझे मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सारी हमेशा मुझे बहुत अच्छी दोस्तें मिली हैं। खैर, अब दोस्तों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए आपने मुझे बताना है कि आपको ब्लू एंड वाइट वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी या येलो ब्लैक वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी। अगर जिन्होंने मेरी येलो और ब्लैक लुक नहीं देखी तो वो मेरा पिछला व्लॉग देखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा, जिसमें मैंने फ़ातिमा के लिए व्लॉग बनाया हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरी फ्रेंड अपने बताए हुए टाइम से ना थोड़ी लेट आई, तो उसमें क्या हुआ कि हरमैन बेचारी वहाँ पे लेटे लेटे इंतज़ार करते करते वो सो गई। और खैर, वो आ गई तो हमने थोड़ी देर हरमैन को सोने दिया, इसलिए कि मुझे पता था कि रात को देर तक जागना है और यहाँ पे खाना जो है वो सर्व हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ज़रा से इसके क्लिप्स बना लिए जाएँ, आपके साथ शेयर किया जाए। रेसिपीज़ तो मैं नहीं बता सकी, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी या खुशी में या इंतज़ार में मुझे याद नहीं रहता कि मैं उसको कैप्चर भी करूँ। खैर, जहाँ पे हमने खाना खाया और बकौल मेहमानों के खाना बहुत मज़े का था, उनको बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे लिए आए थे कुछ गिफ्ट्स, जिनको देख के हमें बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छे लगे। अब ये गिफ्ट्स क्या आए हैं मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और हरमैन का जो है, इसलिए कि असल इंजॉय जो है ना, वो मुझे लगता है लड़कियाँ ही करती हैं गिफ्ट्स मिलने पर। ज़ेमो, उनको भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका ये था कि देख के वो चले गए, लेकिन हरमैन की जो एक्साइटमेंट थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लिए क्या कुछ जो है वो गिफ्ट्स आए। और एक बार फिर मेरी फ्रेंड, तुम यकीनन सुन रही होगी, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगली दफ़ा आना तो इससे ज़्यादा गिफ्ट लेके आना, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, कोई बता नहीं, जिसका जो नहीं है। ये देखो, ये खलीका आपके लिए लाइए, लो, थैंक यू बोलो, होनी आराम से ना, खलीका खोल के दो, हमारे अपने लिए होगी, चलो है, नहीं ओपन हो रहा, ओपन कर दो जी। कौन लाया है? ऐसे नहीं ना करो, कौन लाया है? खाला है का? ओपन करना मुश्किल है।
वाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नमो दिखाओ, कितनी प्यारी रिंग्स देखो। ये देखो ना, ये क्या है? लिप ग्लॉस। कितनी प्यारी लिपस्टिक है, नीचे ना गिरा देना। हरमेन कितना प्यारा है, मैक्सी बोलो। ये देखो ब्रासले, ये कितने प्यारे हैं हरमेन। कितनी प्यारी हम, वो कितनी प्यारी कलरफुल है। ये तो हमें कितने प्यारे हैं। आओ आप भी देखो जल्दी से, शर्माओ ना। मैक्सी बोलो, बहुत प्यारा खलीका, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा खलीका, बहुत डिसेंट। उसको आराम से खाना था, बस मेरे क्लिप्स बन गए यार। और नेक्स्ट डे शाम में हम आ गए बीच पे, और यहाँ पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चे जो हैं वो फुटबॉल के साथ लगे रहे, और हम लोग जो हैं पिक्चर्स वगैरह ऐसे बनाते रहे। और इसके बाद हम चले गए आइसक्रीम खाने, और यहाँ पे हमारे प्लाज पे ही, बीच पे ही आइसक्रीम आपको इजीली मिल जाती है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं कि आपको ना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी लो। खैर, हमने अपनी अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर्स जो है वो सेलेक्ट किए, और उसके बाद हम जो है चले जाएंगे घर। और उसके बाद अगले दिन ये लोग चले गए वापस, और इनके जाने के बाद ऐसी उदासी हो रही थी, इसलिए कि जब फातिमा गई थी ना, तो मुझे ये था कि मेरी ये फ्रेंड आ जाएगी, लेकिन इसके जाने के बाद मुझे था कि अब कौन आएगा। मतलब मेरी फ्रेंड ने, फ्रेंड नहीं आएगी लेकिन कोई और आ रहा है। मतलब जब मेरी ये फ्रेंड जा रही है तो इसके बाद कोई और हमारे घर आ रहा है, वो कौन आ रहा है? वो पाकिस्तान से कोई आ रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा उदासी हो रही थी, तो मैं बच्चों को लेके, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था, मैं पार्क आ गई। और यहाँ पे आप देखें कि इस टाइम ज़्यादा रश नहीं था, कोई फंक्शन था जिसमें ना वो आप कहें कि पास्ट का कोई अपना 1960s का या ऐसा, मुझे ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, इसलिए कि हम लेट आए थे। और इसके बाद बच्चे जो है वो फ़ुटबॉल खेलना शुरू हो गए, और वो काफ़ी देर तक फुटबॉल खेलते रहे, और मैं बस खड़ी उनको देखती रही। कभी मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी जो पार्क में एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको देख रही थी, कभी हरमेन के साथ इधर आ रही थी, लेकिन हम थोड़ा बहुत मतलब चलते फिरते रहे, और हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, ये अगले दिन का क्लिप है, और यहाँ पे ना सही शदीद वाली गर्मी 2 दिन हुई है, और ऐसी गर्मी कि आपको दिल कर रहा था कि आपके घर में एसी हो, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है, हमारी खिड़कियाँ खोल दो तो हवा आती है, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप कहें कि यहाँ पे कहा गया था कि आपने ब्लाइंड्स बंद रखें, खिड़कियाँ बंद रखें, ताकि आपका घर जो है वो ठंडा रहे। और मैं वैसे ये खिड़की के पास आई तो मैंने सामने देखा कि हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने ये स्प्रिंकल लगाया हुआ था अपनी ग्रास की वाटरिंग के लिए, तो कि जिसको देखे ना बड़ा अच्छा फील हो रहा था, वरना तो हर तरफ घास जो है ना वो जली भी पड़ी हुई है, लेकिन इनका ये देखे मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली, और स्पेशली मेरे अब्बू की मगफरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।